अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी सेहत को लेकर के मालेगांव के अंदर मुख्तलिफ किस्म की अफवाह गर्दिश कर रही है। मैं अपने हमदर्दों से, अपने खैरखाहों से और अहलियान शहर से गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से अपने घर पर हूं। मुझसे जुड़ी हुई जो बातें बम्बई लेकर के गए, सैफिया हॉस्पिटल में एडमिट हैं या वेंटिलेटर की जरूरत है, इमरजेंसी धुरिया लेकर के गए, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं रूबसेहत हूँ। मेरे लिए आपने दुआएं की है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मजीद आप दुआएं करेंगे। दूसरी बात मुझे ये अर्ज करनी है कि हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे साहब के आ जाने के बाद मालेगांव में कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों के इलाज और मुआलजे के लिए जितनी बातें तय हुई थी उनको रूब अमल लाने के लिए हम लोग पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। माजी में जो कमिश्नर थे उनको छुट्टी दे करके नए कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुआ है और उस कमिश्नर ने आने के बाद जंगी पैमाने पर काम करने की शुरुआत की है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह नए कमिश्नर के आने के बाद हालात में सुधार आएगा। तीसरी गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ कि मालेगांव कोरोना वायरस से वाकई मुतासिर है। आपको इस बात से अंदाजा कर लेना चाहिए कि मालेगांव शहर की बड़ी बड़ी शख्सियात इस बीमारी से मुतासिर हो करके अल्लाह की जवारे रहमत में चली गई। अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले और मरने वालों की बीमारी पर यकीन नहीं आएगा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदनसीबी की बात होगी। मालेगांव की आवाम से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम लोग अपने शहर को, अपने आप को, अपने घर वालों को बचाने के लिए घर में रहने की कोशिश करें और जो लोग किसी भी तरह की बीमारी से मुतासिर हैं, अगर उन्हें बुखार है या खांसी है, गले का दर्द है, तो उन्हें अपनी ये बीमारी छुपाना नहीं, छुपाने से, घर में बैठे रहने से और घरेलू इलाज करने से तबीयत ठीक होने वाली नहीं है। खुल करके सामने आओ, इलाज मुआलजा कराओ। इलाज कराना सुन्नत है, आप इलाज करवाओगे तो इंशाअल्लाह सेहत हासिल होगी, दुनिया दारुल असबाब है। इस तरह की यानी हरकत कि हम अपनी बीमारियों को छुपा करके रखें हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए नुकसान का बाइस है। इसलिए अगर किसी तरह की कोई बीमारी है या अलामत है तो उसे वाजे करके इलाज और मुआलजे की फिक्र करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मालेगांव के लोग अपनी हिफाजत के लिए, घर वालों की हिफाजत के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त घर में रह करके गुजारेंगे, बिला जरूरत शदीदा घर से बाहर निकलने से गुरेज करें।